आज नगर विधायक मनीष असीजा ने वार्ड नंबर 37 के मोहल्ला पजावा में सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया। नगर विधायक ने बताया कि ये भवन 25 लाख की लागत से बनाया जाएगा। क्षेत्र के पार्षद विजय शर्मा और अन्य पार्षद रहे मौजूद। उद्घाटन किया गया है, वो क्या बनने जा रहा है? देखिए, ये क्षेत्र विकास निधि जो जनता के पैसों से विधायकों को खर्च करने का अधिकार मिलता है, उससे अनेक प्रकार के काम होते हैं, लेकिन मुझे फिरोजाबाद की सम्मानित जनता के चरणों की कृपा से पिछले 20 वर्षों से काम करने का अवसर मिला, तो मेरे अनुभव में ये बात आई कि सार्वजनिक धर्मशालाएँ सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि यहाँ हरिओम वर्मा जी और मुकेश जी यहाँ खड़े हुए हैं। 20-20 साल पहले हम लोगों ने वहाँ छोटा मिर्जा के नगला में धर्मशाला बनवाई थी, आज भी वो अच्छे से काम कर रही है। यानी 20 साल तो हो गए, अभी 20-50 साल अभी चलेंगे। तो मेरे बहुत व्यक्तिगत रुचि का भी काम है कि ऐसी भूमि जो समाज की है, समाज के द्वारा संचालित है, जिसमें किसी का भी व्यक्तिगत मोहर नहीं है, ऐसे अगर सार्वजनिक धर्मशालाएं बन जाए तो वहाँ बहन बेटियों की शादी, मोहल्ले में अनेक प्रकार के उत्सव, मोहम्मदपुर की धर्मशाला बहुत टॉप बनवा, सुख दुख की भी बात आती है तो, और सभी के लिए ये खुली होती है। तो इसी प्रकार ये पजावा मोहल्ला है, यहाँ के मेरे पार्षद श्री विजय शर्मा जी हैं, और इस क्षेत्र में ये देखिए कि अब मैं क्या बोलूँ, पिछले 15-20 साल में मेरा घर इससे चिपटवा है। बचपन में मैं यहीं पर ही खेला कूदा हूँ, आज भी मैं सुबह शाम यही कार्यालय है सामने की तरफ, और ये काम में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई अड़चन आती थी, लेकिन भगवान बुद्ध जी के चरणों की कृपा से, पूज्य भंते जी की आशीर्वाद से, समाज की कृपा से आज ये काम होने जा रहा है। 25 लाख रुपए की लागत से ये जो धर्मशाला बनेगी, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम होगा, इसमें हॉल होगा, बिजली की फिटिंग होगी, लाइट होगी, पंखे होंगे, किचन होगी, और उसमें शौचालय लेटरिन बाथरूम होंगे, स्टोर होगा बहुत अच्छे तरीके से जे, और यहाँ जो क्षेत्र के मेरे सभी अन्य मेरे नगर निगम के पार्षद भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और इस क्षेत्र के जितने भी मेरे गार्जियंस हैं, मुझसे बड़े हैं, वह सबसे भी मैं प्रार्थना करने वाला हूँ कि जब ये काम हो तो जैसे अपने घर का मकान बनता है उसी तरीके से मसाला और क्वालिटी की चेकिंग हो। एक बार ये काम जब हो जाएगा तो आने वाले 25-50-100 साल तक सभी के काम आएगा। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, युवा साथी सबको मैं इस काम के लिए बधाई देता हूं और माफ़ी मांगता हूं कि जो काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था इतनी देर में हो पा रहा है।